लेकर चलते हैं, ये पब्लिक है सब जानती है कि सेट पर, और जानते हैं क्या है वहां पर खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। ये पब्लिक है सब जानती है, चुनावी विगुल बज चुका है, नेता अब जनता की चौकट में जाने लगे हैं। पहले राहुल गांधी, फिर अमित शाह है, और अब शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा। मुख्यमंत्री यहां जनता के बीच जन आशीर्वाद, जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काफिले दल बल के साथ जनता से रूबरू होंगे। लेकिन देखना यह होगा इसका कितना असर होता है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से यहां पर समा बांधी, उसके बाद अमित शाह का दौरा निश्चित तौर पर यहां की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाने वाला है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले हम आपको मेहमानों से परिचय करा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश रतन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय शुक्ला जी और हमारे करंट अफेयर एडिटर अनिल त्रिपाठी जी, आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चलते हैं राकेश जी के पास। राकेश जी, वर्तमान में जिस तरह से राहुल गांधी जी का यहां पर दौरा हुआ, फिर इसके बाद अमित शाह जी का दौरा, और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का यहां पर दौरा हो रहा, जन आशीर्वाद यात्रा लेकर वो आ रहे हैं, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, यहां पर क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा? राकेश जी। विजय जी, आपका पहला सवाल राहुल गांधी जी के दौरे को लेकर है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का विंध्य का दौरा बहुत ही अत्यधिक सफल माना जाएगा। विंध्य क्षेत्र के जो बिखरे हुए कांग्रेसी थे, उपेक्षित थे या किसी कारणों से घर में बैठ गए थे, वो तमाम सारे लोग जिस तरह से जनसैलाब के रूप में उमड़ के आए और राहुल गांधी जी का स्वागत किया, उसने कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह भरा और विंध्य प्रदेश में निश्चित रूप से उनके दौरे का व्यापक असर हुआ। अगर अमित शाह जी की बात करें तो अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सामान्य परिस्थितियों में वो रीवा आना उनका संभव नहीं था। कहीं ना कहीं इसकी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी जी के सफल दौरे की है जी। उन्होंने देखा कि ये तो पूरा विंध्य प्रदेश जो उनके हाथ में पिछले चुनाव में था, वो पूरी तरह से बाजी पलट गई है। उसको लेकर पूरा शीर्ष नेतृत्व विंध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतित है जी। एक बात और आपसे इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष माननीय अजय सिंह राहुल जी ने जब पूरे विंध्य प्रदेश में न्याय यात्रा की तो उससे कांग्रेस में एक ऊर्जा और एक जोश पैदा हुआ और उसी पे मोहर लगा के राहुल गांधी जी गए। पिछले 4-4.5 वर्षों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने इस देश को इस तरह से छला और लूटा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता की माली हैसियत उसका उदाहरण। भरपूर लूटा गया, भरपूर जनता को धोखा दिया गया, भरपूर छलावा किया गया और जनता अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का असर कम करने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में अमित शाह के या शिवराज सिंह के दौरे का कोई भी असर इनके सामने पड़ेगा। जनता के बीच में मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं, जनता के बीच में रात दिन एक रहता हूं जी। और जनता संकल्पित है बदलाव के लिए, राहुल गांधी जी का नारा है वक्त है बदलाव का जी। जनता पूरी तरह से वक्त है बदलाव। अजय जी, आप बताइए, वर्तमान में जिस तरह से यहां पर राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी जी के बाद यहां पर अमित शाह जी और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंच गए, वो आम सभा के साथ ही यहां पर जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आए और लोगों से रूबरू हुए, अजय जी इस पर प्रकाश डालिए। मुझे तो लगता है इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा,
क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी इंदिरा जी के होते थे, लोग आप उनको देखना चाहते थे, लेकिन आज उनका इतना ज़्यादा वो नहीं है कि कोई प्रभाव डाल सके, क्योंकि हर व्यक्ति व्यक्तित्व पर टिका रहता है और जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होता है उसी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैं तो नहीं समझता कि भिन्न क्षेत्र में, तो अमित शाह जी को ले लीजिए, अमित शाह जी का राजनीतिक प्रभाव वो कुछ भी नहीं है, वो तो किसी देश के मर्डर में भी फंस चुके हैं, तो उनका भी कोई व्यक्तित्व नहीं था। जैसे अगर इसी तरह देखा जाए तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो अटल जी का प्रभाव था, उनको लोग देखना भी सुनना चाहते थे और पसंद भी करते थे, उनको उनके हिसाब से वोटिंग भी करते थे। तो आज मैं नहीं समझता है सर। इस तरह राहुल गांधी जी को ले लीजिए, इंदिरा जी के पोते हैं, इंदिरा जी का व्यक्तित्व अलग था, उनका प्रभाव था, लोग उनको देखना भी सुनना चाहते थे और सुनना भी चाहते थे। तो ये सब चीज़ है। शिवराज सिंह को तो आपने देख चुका, 15 साल में लगातार आते ही रहते हैं और मध्य प्रदेश में मामा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो कुछ किया आपके सामने है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रभाव पड़ेगा। जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं तो केवल अपने वोटर को लुभाने के लिए आप कर रहे हैं, तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाली बात नहीं है। अनिल जी, आपका क्या कहना है? वर्तमान में जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अनिल जी आपका क्या कहना है? देखिए विजय जी, अभी राजनीति की शुरुआत जब हुई तो सबसे पहले बिंद क्षेत्र में राहुल गांधी का दौरा हुआ, उसके बाद अमित शाह जी आए, अब शिवराज जी का कल से जन आशीर्वाद यात्रा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये पब्लिक है, सब जानती है, आपने जो ये शुरू किया है कार्यक्रम, तो पूरी पब्लिक बिंद क्षेत्र की बहुत ही जागरूक है। राहुल गांधी का भी स्वागत उसने खूब किया, अमित शाह जी का भी स्वागत किया, कल शिवराज जी का भी स्वागत होगा, लेकिन पब्लिक का मूड क्या बनेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पिछली स्थितियां थी उससे भाजपा इस बार बेहतर की स्थिति में नहीं है, इसीलिए भाजपा के लोग, भाजपा के बड़े नेता लगातार दौरे करना शुरू कर चुके हैं। कल जन आशीर्वाद यात्रा भी उसी के एक सूचक के रूप में है और लगातार 2 दिन तक शिवराज जी इस क्षेत्र में रहेंगे और ये भांपेंगे कि हमारे क्षेत्र में हमारे पुराने विधायकों की और वर्तमान में क्या स्थिति बन सकती है। जी विजय जी, अनिल राकेश जी, बिंद में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधानसभा में महज 12 सीटों पर कब्जा था, वर्तमान में आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं कि वर्तमान में क्या परिस्थितियां होंगी और आपकी पार्टी कितना असर डाल पाएगी? देखिए, पहली चीज तो हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शिवराज सरकार की नाकामियों को, इसके भ्रष्टाचार को, व्यावसायिक परीक्षा मंडल को, तमाम जो महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार हो रहे हैं इनको जनता के सामने लिया कि इसकी असलियत को जनता के सामने लिया है। जनता झूठे वादों से 14 साल 15 साल में इस तरह उब चुकी है कि अब वो शिवराज सिंह और उनकी सरकार के किसी भी वादे पे कोई विश्वास करने वाले नहीं। शिवराज सिंह जी की बात करें तो वो एक नौटंकी रह बन के रह गए हैं, जगह जगह उनकी हंसी होती है, उनके मामा बनने वाले शब्द के जनता मखौल उड़ाती है, वो रोज नई घोषणा करते हैं और इन घोषणाओं का जनता के ऊपर कोई असर नहीं है, बल्कि विपरीत असर हो रहा है। मुझे चित्रकूट उपचुनाव के पहले की एक घटना याद आती है, जब शिवराज सिंह जी गए थे तो वहां के एक प्रमुख संतों की उन्होंने बैठक ली, जैसा उनका आचरण है, तो एक प्रमुख संत ने उनसे ये कहा था कि शिवराज जी, अगर आप चित्रकूट में वोट चाहते हैं तो कोई नई घोषणा मत करिएगा, ये उनके समर्थक संत मंडली का सुझाव है जी। और शिवराज जी हैं कि आज भी आचार संहिता लगे होने के बावजूद भी कोई नई घोषणा करने से नहीं चूकते। मैं विजय जी आपसे बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी की कोई बात, कोई घोषणा, कोई वादा, उस पर अब जनता कतई विश्वास नहीं करती और जनता बदलाव ले आना चाहती है, कांग्रेस की सरकार ले आना चाहती है, जनता की, गरीबों की, गरीब वर्ग के हितैषी लोगों की सरकार ले आना चाहती है। समाजवादी पार्टी विंध्य क्षेत्र में कुछ खास असर नहीं दिखा पाई थी, जबकि विधानसभा के पहले उनके मैहर में
और कभी सीधी में कब्जा हुआ करता था, एक सीट सीधी जिले से थी और एक सतना जिले की मैहर में भी नारायण त्रिपाठी कभी विधायक हुआ करते थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वर्तमान में समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अजय जी, आपका क्या कहना है कि विंध्य क्षेत्र में यहाँ पर कितना असर होगा समाजवादी पार्टी का? देखिए, आज की वस्तुस्थिति को लेकर चलते हैं तो अखिलेश जी का बहुत बड़ा प्रभाव है और युवा वर्ग अखिलेश जी को लोकप्रिय बना चुके हैं, अपना आदर्श मानते हैं, हम लोग भी खुद आदर्श मानते हैं उनको। तो अखिलेश जी की छवि एक साफ सुथरी छवि है और युवा वर्ग पूरी तरह से अखिलेश जी के साथ रहेगा और मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह अखिलेश जी ने जो काम किए हैं, विकास किए हैं, उसका निश्चित रूप से असर आएगा और समाजवादी पार्टी के बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। अनिल जी, आप बताइए, वर्तमान में जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपनी बात कह रही, कांग्रेस अपनी बात कह रही और साथ ही यहाँ पर जो भाजपा का दावा है कि 17 सीटों में पूर्व में वो कब्जा करके रखे थे, वर्तमान में जो स्थितियां हैं उनकी और सीटें बढ़ेंगी, विंध्य में वो 30 सीटों पर काबिज हो जाएंगे, अनिल जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी यहाँ पर 17 विधायक है, कुल 31 सीटें हैं पूरे विंध्य क्षेत्र में और मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं, कल दिल्ली से जो सूत्र बता रहे थे, आरएसएस ने इस बार थोड़ा सा कमान संभाली है अपने उसमें लिया है, क्योंकि लगातार जो सर्वे चल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां बेहतर नजर नहीं आ रही हैं। भाजपा ने खुद सर्वे कराए हैं और भाजपा की स्थिति उसमें डामाडोल सी जब नजर आने लगी तो कमान आरएसएस ने संभाल ली और मोहन भागवत जी ने भी अपना एक आरएसएस का सर्वे करवाया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि 75 से 80 सीटें जो वर्तमान विधायक हैं उनको बिल्कुल अलग किया जाए। तो अब ये देखिए, 142 या 140 सीटें जो भाजपा के पास इस समय हैं तो उसमें 70 से 80 विधायकों की टिकट कट गई तो कुल मिला के 60 पुराने विधायक हो जाएंगे। इसके अलावा 12 मंत्रियों के भी टिकट कट रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ डरी हुई सी, सहमी हुई सी है और उसी को लेकर कवायद चल रही है। राकेश जी, अभी भाजपा ने एक सर्वे कराया है जिस सर्वे में कई विधायकों की टिकट कटना तय है, क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के काम है, पिछले 15 वर्षों से उनका कब्जा है, बावजूद इसके विधायकों की टिकट कट रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? विजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी को आज पता लगा है। हम लोग पिछले 3 साल से जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की रीवा जिले में सबसे कमजोर सीट है तो वो है रीवा विधानसभा। जिस तरह से पूरी संपदा रीवा की, ऐतिहासिक धरोहर, सरकारी जमीनें, जिस छल के साथ, मैं छल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस छल के साथ एक बिल्डर को सौंप दी गई, जनता में भारी आक्रोश है। विकास के नाम पर जमीनों की लुटाई हुई है, एक जमीन माफिया तैयार किया, भूमि माफिया, और उसने सारी रीवा को लूट लिया। वो ऐतिहासिक धरोहर है जिसको कि रीवा का पुराना आदमी, जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा, वो याद किया करता था, ये हमारा वेंकट भवन है, ये हमारी कचहरी है, ये हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये हमारी एसपी बंगला है। वो सब कुछ बिक गया, सामान में जो समदड़िया का माल है वो तो एक अजब खेल ही है और ये खेल निरंतर चलता गया और राजेंद्र शुक्ला और उनका विकास जनता के सामने बेनकाब हो गया। हमें ये पहले से पता था कि रीवा जिले की सबसे कमजोर सीट रीवा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज पता चला, ये आश्चर्य की बात है। अनिल जी, आप बताइए, वर्तमान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक सर्वे करा रही है और अपने विधायकों के ही टिकट काट रही है, कई विधायक उनके हाशिए पर है कि उनकी टिकट कट जाएगी, ऐसे में नए प्रत्याशियों को यहाँ पर चांस दिया जाएगा, क्या खुलकर सर्वे आया है और इस पर दर्शकों पर प्रकाश डालिए कि क्या आखिर ये सर्वे है क्या? जी, विंध्य क्षेत्र की जहां तक रिपोर्ट है, विंध्य क्षेत्र में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, इन 4 जिलों के जो विधायक हैं उनमें से कम 6 से 7 वर्तमान विधायकों की टिकट कटने जा रही है। इसके अलावा जो पिछले कैंडिडेट थे उन पर दांव लगाने का नहीं सोच रही है भाजपा, सीधे सीधे नए चेहरे लाने का प्रयास कर रही है और उसी की सर्वे और मंथन किया जा रहा है और शायद कई युवाओं को इसमें मौका मिल सकता है।
राकेश जी, अनिल जी और अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप, ये पब्लिक है, यूं ही देखते रहिए और अपने सुझाव भी हमें भेजिए। हम निश्चित तौर पर आपके सुझाव पर काम करेंगे और जो खबरें आप चाहते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए रीवा दर्शन।